नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय हमारे देश पे ना सिर्फ हमारे देश पे बल्कि पूरी दुनिया पे कोरोना वायरस छाया हुआ है और इससे लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। हम सभी अपने अपने घरों में लॉकडाउन हो रखे हैं और सरकार हमारी बहुत ही प्रयास कर रही है इन सबसे निपटने के लिए। इसी प्रयास के चलते एक उन्होंने एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसके थ्रू आप अपना ये कहें कि आप अब चेक कर सकते हैं कि आपको कोरोना टेस्ट की ज़रूरत है या नहीं है, या फिर ऐसा कोई है जिसे कोरोना कोविड-19 हुआ था और अब वो ठीक होकर आया है, या आपके आसपास कोई है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट के पास कि हाँ उसे कोविड-19 हुआ था या हुआ है, जो भी है। तो ये सब चीज़ें आप बड़ी आसानी से अपने फ़ोन से ट्रैक कर सकते हैं। सर, गवर्नमेंट ने एक एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसका नाम है आरोग्य सेतु। तो इस एप्लीकेशन के थ्रू आप आराम से देख सकते हैं, कुछ चीज़ें आप उसमें चेक कर सकते हैं और काफ़ी डिटेल भी उसमें आपको मिल जाएगी। तो वो कैसे एप्लीकेशन काम करती है, कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे आपने ये सारी चीज़ें चेक करनी है, वो आपको मैं आज बताऊंगा। आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से और उसके बाद आप इसे कॉन्फ़िगर करके चेक कर सकते हैं। इसमें आपको मोबाइल नंबर देना पड़ेगा और मेन बात ये है दोस्तों, जो भी जानकारी आप देते हैं अपना मोबाइल नंबर या लोकेशंस इंफॉर्मेशन कुछ भी, वो गवर्नमेंट के पास ही रहेगा, वो डाटा किसी से शेयर नहीं किया जाएगा। उस ऐप में साफ साफ ऐसा दिया है, आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, चलते हैं ऐप में और देखते हैं ये कैसे काम करता है। सबसे पहले आपको ये ऐप डाउनलोड करनी है, आरोग्य सेतु। जब आप इसको खोलेंगे, और अभी मैंने इसको सेटअप कर लिया है, लेकिन जब आप पहली बार सेटअप करेंगे तो इसमें ये कुछ इस तरह का आएगा। सो आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। इसमें बता रहा है कि आपको ब्लूटूथ ऑन रखना है और आपको लोकेशन ऑन रखनी है। लोकेशन ऑन रखने पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऐप में कहा गया है कि आपको आपका जो डाटा है वो किसी के साथ शेयर नहीं होगा। आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपका डाटा सिर्फ गवर्नमेंट के साथ शेयर होगा। और आप इसमें ब्लूटूथ आपको ऑन रखना है जिससे आपको पता चलेगा कि आपके आसपास कोई कोरोना वायरस पेशेंट है या नहीं है, तो आप ये सब पढ़ सकते हैं। तो उसमें करना क्या है कि सबसे पहले आपको इसे सेटअप कर लेना है और उसके बाद आपने यहाँ से आकर टेस्ट पे क्लिक करना है, आपको टेस्ट करना है। और ये इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, जेंडर मेल कर देते हैं, टाइप योर एज, उसके बाद आप इनमें से कुछ है तो वो जैसे जैसे जो जो पूछेगा वो आपको सारी डिटेल इसमें डालनी है। ओके, तो ये सारा देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो आप इस तरह से देख सकते हैं। तो ये देखिए दिखा रहा है यू आर सेफ। तो डिपेंड करता है कि आप कितनी इन्फॉर्मेशन सही देते हैं, उसी हिसाब से ये आपको बताएगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन भी है, आपको कुछ रिकमेंड कर रहा है क्या क्या करना है। आपको सोशल डिस्टेंस बनाना है और ये आपका सेल्फ असेसमेंट जैसे कि हमने अभी टेस्ट किया, और बाकी इसमें चीज़ें हैं आपको बता रहे कि क्या क्या करते रहना है। और अगर आप ये सब खोलेंगे डूज एंड डोंट्स, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं ऐप के थ्रू। अभी मैं इसमें आपको नहीं दिखाता हूँ, आप यहाँ पे जाके एक एक करके सब चेक कर सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा आपने यहाँ पे देखा है कि पीएम केयर्स जो फंड है रेज हो रहा है उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है, आप इसका यूज़ करके आप अपना कंट्रीब्यूशन भी दे सकते हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन यहीं पर है। तो आपको बस ये बताना था कि ये ऐप आई है, इससे पहले आपको मैंने बताया था कि रिलायंस जियो ऐप जो है, माई जियो ऐप, उसमें भी कोरोना टूल ऐड हुआ है, लेकिन वो अभी तक ऐसा नहीं था कि कुछ गवर्नमेंट का अप्रूव था। ये अभी हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट की खुद की ऐप है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं और जो भी आपको रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए वो भी इसमें मिल सकती है सारी की सारी। तो आप इसमें अपना टेस्ट असेसमेंट करते रहिए, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप ये इसे यूज़ करें, ना कि जब यूज़ करें बल्कि इसमें ये कहा गया कि लोकेशन आपकी हमेशा ऑन रहनी चाहिए और ब्लूटूथ ऑन रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके आसपास अगर कोई ऐसा है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास सारा डेटा है, तो अगर किसी का ब्लूटूथ ऑन है और वो कोरोना पेशेंट है या कभी आइसोलेट हुआ है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन है, तो आपको इन्फॉर्म होती रहेगी। तो यही एक इसका रीज़न है। और अगर आपका लोकेशन रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट के पास कि आपका कोई आपके एरिया में कोई कोरोना पेशेंट है या कुछ भी है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती रहेगी। अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत है तो आप यहाँ पे जाके इसमें देख सकते हैं, इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, आप इनमें से कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं। सो आपको उस लैंग्वेज में आ जाएगा सारा।
तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही बताना था आपको। आप इसे डाउनलोड करिए, यूज़ करिए, कैसे लगे प्लीज़ बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।